गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स हाउर यू आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम टूडे वी विल रीड आवर पोएम टेन टू लिटिल किटन्स टू लिटिल किटन्स मीन्स दो बिल्ली के छोटे बच्चे पेज नंबर सेवेंटी टू एंड सेवेंटी थ्री बेटा आज हम हमारी इंग्लिश क्लास में पोएम टेन टू लिटिल किटन्स पढ़ेंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ ठीक है बेटा आप पोयम को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि पोयम में क्या कुछ कहा गया है यह पोयम किसने लिखी है जैन टेलॉ रिटन बाय जैन टेलर ओके बेटा अब हम हमारा चैप्टर हमारी पोयम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं ओके टू लिटिल किटन्स वंस टॉमी नाइट बिगेट टू क्वैरल एंड देन टू फाइट दो बिल्ली के छोटे बच्चे टू लिटिल किटन्स दो बिल्ली के छोटे बच्चे किटन्स होते हैं बेटा बिल्ली का किटन्स बिल्ली के बच्चे और किटन बिल्ली का बच्चा वन स्टॉमी नाइट वन एक स्टॉमी तूफानी नाइट रात और स्टॉमी है तो तूफानी और स्टॉम तूफान बेटा देखो इसका मीनिंग नीचे लिखकर भी बताया गया है आपको विद स्ट्रॉन्ग विंड हैवी रेन और स्नो तेज बारिश के साथ बारिश और बर्फ के साथ तेज हवाओं का चलना काफ़ी तेज हवाएं चलती हैं बारिश होती है बर्फ़ गिरती है इट मीन्स वह स्टॉम है तूफान है एंड स्टॉमी तूफानी एक तूफानी रात में दो बिल्ली के छोटे बच्चे बिगन टू क्वैरल बिगन शुरू किया टू क्वैरल झगड़ना क्वैरल मीन्स भी झगड़ना लड़ाई करना मीन्स नोक झोंक करना जैसे मुंह से बोल रहे थे तू तु, तू में मैं हो रही थी दोनों में एंड देन टू फाइट और फिर क्या हुआ पहले तो वो जो उनसे नोकझोंक हो रही थी जो उनका झगड़ा चल रहा था वो फाइटिंग में बदल फाइट लड़ना means वो हाथ पैरों से एक दूसरे को मारकर लड़ने लगे वन हैड अदर हैड नन वन हैड माउस वन एक हैड पास था माउस एक चूहा एक के पास तो एक चूहा था एंड द अदर हैड नन और एंड और द अदर हैड नन अदर दूसरे के पास जो दूसरा था उसके पास हैड पास था नन कुछ भी नहीं एक के पास तो एक माउस था और दूसरे के पास कुछ भी नहीं था एंड दैट वॉज द वे द क्वैरल हैड बिगन एंड और दैट वॉज द वे यही एक जो वजह थी दोनों की कि द क्वेरल हैड बिगन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ क्यों क्योंकि एक के पास तो माउस था दूसरे के पास कुछ भी नहीं था तो उस माउस के कारण ही दोनों के बीच में झगड़ा हुआ आई विल हैव दैट माउस सेट द बिगर वन आई विल हैव दैट माउस मीन्स मेरे पास ये माउस रहेगा मेरे पास होगा सैड द one. सैड कहा दिगावन जो एक बड़ा बिल्ली का बच्चा था वो दो थे ना तो उन दोनों में भी एक बड़ा था एक छोटा था तो जो बड़े वाला था वो कह रहा था छोटे वाले को कि जो ये माउस है वो मेरे ही पास होगा रहेगा यू विल हैव दैट माउस यू विल हैव नन यू विल हैव दैट माउस क्या तुम्हें भी ये माउस चाहिए क्या तुम्हारे पास भी मतलब ये माउस चाहिए नहीं इसे तो मैं ही रखूंगा मैं लूंगा यू विल हैव दैट माउस यू विल हैव नन तुम्हें चाहिए तो बट तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है जो बिगर किटन है वो स्मॉल किटन को कहता है उससे पूछ रहा है उसको कह रहा है कि क्या तुम्हें भी चाहिए हाँ चाहिए तो उसको भी वो अपने आप से ही बोलता है लेकिन तुम्हारे पास अभी तो कुछ भी नहीं है आई विल हैव दैट माउस आई विल हैव दैट माउस सेट द शेल आई विल हैव दैट माउस मुझे भी वह माउस चाहिए मैं उस माउस को लूँगा मैं मेरे पास रखूँगा सेट द टोटोइ शेल टॉर्टोइज शेल मीन्स देखो बेटा टॉर्टोइज शेल का मीनिंग नीचे दिया हुआ है ब्लैक ब्राउन ऑरेंज एंड वाइट फर जो बिल्ली का बच्चा था एक बिल्ली के बच्चे पर टॉर्टोइज शेल मीन्स बेटा वैसे देखो टॉर्टोइज मीन्स होता है कछुआ और शेल मीन्स उसका कवच जो कछुए के ऊपर जो वो हार्ड बहुत ही कठोर तरह का जो ऊपर वो कवच होता है उसका उसको बोलते हैं टॉर्टोइज शैल बट यहाँ पर टॉर्टोइज शेल मीन्स क्या हुआ कि जो बिल्ली के बच्चे के ऊपर जो स्पॉट देखो बेटा जो कवच के ऊपर बने होते हैं ना टॉर्टोइज के कछुए के तो वही चीज उसी तरीके से जो किटन है उस पर भी बने हुए हैं तो जो शेल किटन है जिसके शरीर पर ब्लैक ब्राउन ऑरेंज और व्हाइट फर है वो किटन कहता है एंड स्पिटिंग एंड स्क्रैचिंग एंड स्पिटिंग थूकते हुए एंड स्क्रैचिंग और खरोचते हुए ओनहर सिस्टर शिफेल ओनहर सिस्टर अपनी बहन के ऊपर वो स्क्रैचिंग कर रहा है उसको स्पिटिंग कर रहा है उस पर और उसको हिटिंग भी कर रहा है फेल और वह क्या हुआ गिर गई आई हैव टोल्ड यू बिफोर इट वॉज अ स्टॉमी नाइट आई हैव टोल्ड यू बिफोर मैंने आपको पहले ही कहा था कि बेटा वाज़ टी डब्ल्यू ए एस लिखा हुआ है मीन्स इट वॉज यह था इट वॉज इसका मीनिंग नीचे दिया हुआ है यह था यह थी कि इट वॉज नाइट यह एक तूफानी रात थी वैन दीज टू किटन्स बेगैन टू फाइट वैन जब दीज ये टू किटन्स दो पिल्ली के बच्चे बेगैन टू फाइट लड़ रहे थे जब उन्होंने लड़ना शुरू किया था वह एक तूफानी रात थी ओके बेटा टर्न द नेक्स्ट पेज पेज नंबर सेवेंटी थ्री द ओल्ड वुमेन टुक द स्वीपिंग ब्रूम एंड स्वेप्ड दम बॉथ राइट आउट ऑफ द रूम द ओल्ड वुमेन टुक ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत टुक लिया द स्वीपिंग ब्रूम स्वीपिंग मीन्स सफाई करने वाली जो सफाई वाली होती है क्या ली झाड़ू ब्रूम मीन्स झाड़ू स्वीपिंग ब्रूम झाड़ू लिए हुए सफाई की झाड़ू लिए हुए एंड them both, swept देम जब हम सफाई करते हैं देखो स्वीप स्वेप्ट स्वेप स्वेप्ट जो है वो स्वीप से ही बना है एंड them both, swept देम झाड़ू से एक तरह से सफाई करते हैं ना जैसे हम वैसे ही स्वैप्टैम सफाई की तरह करते हुए क्या किया बोथ दैम उनको उन दोनों को क्या किया राइट आउट ऑफ द रूम राइट राइट का मीनिंग देखो बेटा नीचे दिया ऑल द वे या कंप्लीटली ऑल द वे या कंप्लीटली निकालना बाहर निकालना आउट बाहर राइट right. ठीक से या पूरी तरह से ऑफ द रूम कमरे से क्या किया उसने उस बूढ़ी औरत ने जो सफाई वाली झाड़ू थी जो उसको लिए हुए थी उस झाड़ू को उस झाड़ू से क्या किया उसने उन दोनों को कमरे से बाहर कर दिया कमरे से बाहर निकाल दिया द ग्राउंड वॉज कवर्ड विध फ्रोस्ट एंड स्नो दे हैड लॉस द माउस एंड हैड नो वेयर टू गो द ग्राउंड वॉच जो मैदान था वो पूरी तरह बर्फ और जो बेटा देखो का में यहाँ नीचे भी दिया हुआ है अथिन लेयर एक पतली परत ऑफ आइस बर्फ की ऑन द ग्राउंड ग्राउंड पर मैदान पर इन वेरी कोल्ड वैदर बहुत ही ठंडा मौसम होता है ना बेटा तो आपने देखा भी होगा कि जैसे हम बाहर निकलते हैं तो जो ग्राउंड होता है जो मैदान होता है ज़मीन होती है उस पर एक बर्फ़ की ना चादर सी पतली सी बिछी हुई होती है उसको बोलते हैं फ्रोस्ट ठीक है तो ये बता रहा है द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो मैदान जो है बर्फ़ और पतली चादर से ढका हुआ था जो कि ठंडे मौसम में लेयर बनती है उससे दे हैड लोट द माउस दे हैड और इन दोनों ने ही उन्होंने देनेड लोट खो दिया था माउस उन दोनों ने क्या किया माउस को खो दिया था वो माउस को खो चुके थे कहने का मतलब क्या कि माउस जो है उनके पास से निकलकर भाग गया था उनके हाथों से निकल चुका था वो भाग चुका था वहाँ से एंड हैड नो वेयर टू गो नो वैर बेटा देखो नीचे लिखा हुआ नो वे का मीनिंग नो प्लेस कहीं भी नहीं किसी भी जगह पर नहीं नो वेयर टू गो एंड हैड नो वे टू गो और उनके पास कोई जगह नहीं है कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो जा सके कौन किटन्स टू लिटिल किटन्स वो दोनों बिल्ली के छोटे बच्चे सो दे है सो दे ले एंड शिवर्ड सो इसीलिए दे ले एंड शिवर्ड वे लेट गए वहीं जमीन पर और दोनों कांपने लगे दोनों ठिठुर रहे थे बिसाइड द डोर दरवाजे के बाहर दरवाजे के ही बाहर टिल द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड स्वीपिंग द फ्लोर टिल द ओल्ड वुमेन जब तक कि ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत ने फिनिश पूरा किया या वो काम सफाई का जो कर रही थी वो पूरा किया स्वीपिंग द फ्लोर उस फर्श को साफ करने का काम जब तक कि बूढ़ी औरत ने पूरा नहीं किया वो दोनों वहीं बाहर दरवाजे के पास लेट गए और ठंड से ठिठुरने लगे ठिठुर रहे थे and then they crept in एज क्वाइट एज mice and then they crept और वे दोनों kittens जो दो वो दोनों बिल्ली के जो बच्चे थे खिसक खिसक कर मीन्स जैसे चूहा चलता है ना धीरे धीरे और पता भी नहीं चलता कि चूहा चल रहा है वैसे ही वो दोनों चूहे की तरह धीरे धीरे चलकर क्या कर रहे थे अंदर आने लग रहे थे ऑल वेट विद स्नो ऑल वेट सारे भीगे हुए थे विद स्नो बर्फ से बर्फ में वो दोनों बिल्कुल भीगे हुए थे एंड एज कोल्ड एज माइज सॉरी आइस एंड एज कोल्ड एज आइस जैसे वो ऐसे भीगे हुए थे जैसे बर्फ वो इतने ठंडे हो चुके हैं बर्फ़ में भीग कर जैसे आइसो हो इतने ठंडे थे जैसे आइसो हो दे फाउंड इट मच बेटर दे फाउंड इट मच बेटर इस दैट स्टॉमी नाइट टू लाई बाई द फायर देन टू क्वेरल एंड फाइट इस टोमी नाइट में लड़ने से ज़्यादा अच्छा तो ये था कि क्या करते वो दोनों उन दोनों को ये फील हुआ उनको रियलाइज़ हुआ कि दोनों ने यही सोचा कि हम आराम से अपने शांति से अपने घर में रहते चुपचाप आ फायर के आगे बैठते और क्या करते घर में ही रहते शांति से और हम दोनों उस स्टॉमी नाइट में लड़ने की जो वो लड़ रहे थे लड़ने के बजाय वो घर में रहते तो वो शांति से आराम से रहते और बाहर भी नहीं जाते बाहर नहीं जाते तो वो ठंड में भीगते भी नहीं बार मतलब बर्फ़ में और बर्फ़ में नहीं भीगते तो उनको ठंड भी नहीं लगती तो दोनों को ये रियलाइज़ हुआ कि हम जो लड़ झगड़ रहे थे वो हम गलत कर रहे थे ओके बेटा Thank you and have a nice day.